Hello and namaste, and we all know how much we adore international brands, especially wo brands jo Italian, French ya British brands hote hain. Hum naam le aur ye list khatam nahi hogi. So bhale wo Dior ho, Chanel ya Dolce Gabbana ya L'Oreal Paris, Garnier. And we have brought a university for you jahan pe aap after 12th admission le sakte hain. And wo aisi university jiske alumni network janne ke baad aap sochenge ki okay, this is the thing that I really want to do in my life. ऐसा alumni network जिसमें आप join हो सकते हैं और आप हमेशा like-minded लोगों को connect कर सकते हैं. So उसमें network में सबसे पहला नाम आता है Domenico Dolce, जो founder हैं, one of the founders हैं, Italian designer and entrepreneur हैं Dolce & Gabbana के, जिसको हम हमेशा से fascinate करते आए हैं. Second जो नाम आता है इसमें वो Franco Moschino, जो again एक Italian designer हैं and हम इनकी jeans काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं. Rahul Mishra, इसमें एक Indian brand name है, इनका खुद का label है based in Delhi जो Rahul Mishra के नाम से है. ये वो designer हैं जो इंडिया के पहले ऐसे designer हैं जिनको 2014 में Woolmark Prize मिला था मिलान फैशन वीक में. आपका जो नेक्स्ट नाम इसमें आता है वो पोला कैडमेरटोरी, एलेक्जेंड्रो सर्टोरी एंड जिल द एम्ब्रोजियो. ये कुछ ऐसे एलुमिनी नेटवर्क्स हैं जो हम हमेशा से अडोर करते हैं, हमेशा से फैसिनेट करते आए हैं. सो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप ज्वाइन होते हैं सो आप इन सबको कनेक्ट कर सकते हैं आई एम एलुमिनी नेटवर्क के नाम से. ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आप बहुत सारे कंट्रीज़ में प्रेफर कर सकते हैं. इनफैक्ट इसका एक बेस ब्रांच इंडिया में भी अवेलेबल है. 45,000 टोटल प्रोफेशनल्स हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम. इनके पास बैचलर से लेके मास्टर्स दोनों कोर्सेज हैं. सो हमने प्लान किया है कि पहला जो सेगमेंट होगा पार्ट वन दैट विल बी फॉर बैचलर प्रोग्राम्स, एंड अगर आप मास्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देखिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. फाइनली डिसाइड करते हैं कि आपको पेरिस, मिलान या लंदन में पढ़ना है तो आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होती है. सो बैचलर में आपके पास तीन मेजर ऑप्शंस होते हैं, एंड जस्ट मेक श्योर आप अपने आप को सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग तक लिमिट मत करिए, बट फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारे और तरीके के फील्ड्स आते हैं. सो बैचलर प्रोग्राम में सबसे पहला जो आता है वो फैशन डिज़ाइनिंग है, दूसरा हम इस वीडियो में सेगमेंट एड्रेस करने वाले वो फैशन स्टाइलिंग है, एंड थर्ड जो है वो फैशन बिजनेस है. इन सभी तीन सेगमेंट्स में आपके पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें पहला जो है वो आपका फैशन डिज़ाइन एंड मार्केटिंग है जो कि लंदन में है, एंड 3 ईयर्स का ये प्रोग्राम है. आपके पास सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो फैशन डिज़ाइनिंग का ऑप्शन होता है जो आपके पास लंदन, पेरिस दोनों जगहों पे है. आपके पास इसमें सैंडविच ईयर का भी एक ऑप्शन है. सैंडविच ईयर में आपको मैं आपको कुछ डिटेल्स बताती हूँ सैंडविच ईयर के बारे में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें आपके पास सैंडविच ईयर में 2 ईयर्स आप कंटिन्यूसली पढ़ते हैं किसी भी फैशन डिज़ाइनिंग में, फैशन बिजनेस या फैशन स्टाइलिंग में, एंड यू फॉलो इट विद द 3rd ईयर ऑफ वर्क इन अ फैशन फॉर्म. सो आप कोई भी फैशन इंडस्ट्री की कंपनी या फॉर्म चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपके पास 36 वीक्स का वर्क पीरियड होता है, एंड वंस यू फिनिश योर वर्क पीरियड फैशन इंडस्ट्री में क्लोज कॉन्ट्रैक्ट के साथ जहाँ पे आपके पास इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं, एट द एंड ऑफ 36 वीक्स यू अगेन गो बैक टू योर यूनिवर्सिटी टू फिनिश योर 3rd ईयर. सो इस तरीके से आपका जो सैंडविच ईयर में प्रोग्राम है वो 4 साल का हो जाता है, एंड आपके पास काफ़ी रेफरेंसेस मिलते हैं, आप एक इन डेप्थ नॉलेज गेन करते हैं. सो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको वर्क एनवायरनमेंट भी देता है प्लस आपको स्टडीज़ भी देता है. इसी सेगमेंट में आगे फैशन डिज़ाइन एंड मेंस वेयर का बैचलर प्रोग्राम है जो कि लंदन में है, एंड फैशन डिज़ाइन एंड वुमेंस वेयर का प्रोग्राम है जो कि अगेन लंदन में है. इसके लिए जो IELTS की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ आपकी 6 बांस की रिक्वायरमेंट है, एंड आप 5.5 जो है नॉट लेस देन 5.5 आपको चाहिए, बट ओवरऑल आप 6 बांस पे भी एडमिशन ले सकते हैं. जो डिग्री है दैट इज़ BA ऑनर्स, एंड ये 3 ईयर्स का प्रोग्राम रहता है एक्सक्लूडिंग योर सैंडविच ईयर. जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो फैशन स्टाइलिंग है. सो फैशन स्टाइलिंग एंड क्रिएटिव डायरेक्शन ये इनका पहला कोर्स आता है BA ऑनर्स में जो आप पेरिस एंड लंदन दोनों में कर सकते हैं. सेकेंड जो ऑप्शन है आपके पास वो फैशन स्टाइलिंग एंड विजुअल मर्केंटाइजिंग है, एंड ये सिर्फ लंदन में अवेलेबल है. एंड सो लंदन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में वहाँ पर आपके पास लग्जरी, कम्युनिकेशन, न्यूज़, कनेक्टिविटी, रिलेशनशिप्स, एडवर्टाइजमेंट, एंटरटेनमेंट, इसमें काफ़ी सारा बूम आया है. एंड जो 3 ईयर्स का आपका फुल टाइम कोर्स है वो काफ़ी ब्रॉडर है, इंक्लूडिंग कि आपके पास सोशल, फैशन, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट होते हैं अलॉन्ग विद द कंटेम्प्रेरी कम्युनिकेशन चैनल्स. आपके पास ऑनलाइन टूल्स, वीडियो, फैशन फिल्म्स, प्रिंटेड एंड डिजिटल मीडिया यूजिंग इमेज एंड कॉपी टुगेदर विद द मोस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट एंड एनहांस योर बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी स्पेसिफिकली आपके फैशन एंड लग्जरी मार्केट्स के लिए. ये सब कुछ आपका फैशन स्टाइलिंग में आता है. इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका मायामी का एक कोर्स है विच इज़ फॉर 4 ईयर्स विच इज़ अगेन इन फैशन
स्टाइलिंग एंड मायामी के कोर्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो भी एम करता है एक्चुअल में स्टूडेंट्स के लिए जो क्रिएटिव एंड ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ है आपका, जैसे ट्रेंड फोरकास्टिंग एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टाइल्स एंड ब्रांड्स, विजुअल कम्युनिकेशन, मर्केंटाइजिंग में, एंड ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करता है फॉर दैट ग्लोबल फैशन लग्जरी एंड डिज़ाइन इंडस्ट्री। एंड इसी सेगमेंट में आगे जो है वो फैशन बिजनेस का कोर्स आता है। फैशन बिजनेस के सेगमेंट में आपके पास 3 प्रोग्राम्स आते हैं बैचलर्स में, जिसे विच वन ऑफ देम इज़ फैशन बिजनेस विच इज़ डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मीडिया। ये आपका बी ए ऑनर्स का कोर्स है, ये आपका लंदन में आप कर सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन है वो फैशन बिजनेस है विच इज़ अवेलेबल इन लंदन एंड पेरिस, एंड थर्ड है फैशन बिजनेस एंड बाइंग, जिसमें आप स्टार्टअप्स के लिए प्लान कर सकते हैं विच इज़ अगेन पॉसिबल इन लंदन। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आप बैचलर। सो अगर आपको फ़ीस चेक करना है सो आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगी, एल्स आप www.dizioc.org पे लॉगिन करके चेकआउट कर सकते हैं। ये गैलीलियो ग्लोबल एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी आती है। एंड सो फाइनली आई एम गोइंग टू रिवील द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये इटालियन यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है इंस्टीट्यूटो मैरिंगोनी, और ये लंदन की एक यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेटेड है विच इज़ मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। सो अगर आप पेरिस में करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, और अगर आप यही ब्रांड के तहत अगर करना चाहते हैं तो आप लंदन में भी ये कोर्स कर सकते हैं। एंड आपको जो एप्लीकेशन की डिटेल्स हैं उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं www.dizioc.org, एंड इसकी सारी जो डिटेल्स हैं आपके बैचलर के फैशन प्रोग्राम्स की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो जस्ट डोंट फॉरगेट, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। ट्यूशन फीस जो है वैरी करता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यूजुअली 18,000 पाउंड्स टू 21,000 पाउंड्स, बट एग्जैक्ट जो फीस है उसके लिए भी आप इनकी वेबसाइट पे चेक करिएगा, बिकॉज फीस में वेरिएशंस आते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से एकेडमिक ईयर में एडमिशन लेते हैं। सो आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मास्टर प्रोग्राम्स का है, सो अगर आप मास्टर्स में इंटरेस्टेड हैं रादर देन बैचलर्स में सो आप आगे का वीडियो ज़रूर देखिए, दैट इज़ पार्ट 2। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, प्लस आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करके भी लिंक एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हर उस इंसान के साथ शेयर करिए, हर उस स्टूडेंट के साथ जो 12th के बाद फैशन में कुछ करना चाहते हैं बट उनके पास ऑप्शंस की कमी है, बिकॉज इटली एंड फ्रांस एंड लंदन में आपके पास एंडलेस ऑप्शंस हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।